आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून में आज भाजपा की अहम बैठक होने वाली है। देहरादून में आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक होगी। पार्टी कार्यालय में जनता दरबार, जिलों में मंत्रियों के प्रवास और अन्य कई मुद्दों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र वत्स बैठक करेंगे। बैठक में कुछ कार्यकर्ताओं को समन्वय बनाने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इसके साथ ही इस बैठक में मुख्य रूप से भाजपा जिन सीटों पर चुनाव हारी है उन पर कैसे मजबूत स्थिति में खड़ी हो उसको लेकर मंथन किया जाएगा और कुछ पार्टी कार्यकर्ता, विधायकों और सांसदों की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो हारी हुई सीटों पर बैठक में चर्चा संभव है। किस तरीके से जहां पहले हार हुई वहां किन वजहों से हार हुई और आगे क्या रणनीति बनानी है इसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है जिसमें पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगाया जाएगा, जिलों में मंत्रियों के प्रवास और कई अन्य मुद्दों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठक करेंगे। बैठक में कुछ कार्यकर्ताओं को समन्वय बनाने की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इसके साथ ही इस बैठक में मुख्य रूप से भाजपा जिन सीटों पर चुनाव हार गई है उन पर कैसे अपने आप को मजबूत किया जाए इसको लेकर मंथन होगा और कुछ पार्टी कार्यकर्ता, विधायक, सांसदों की ड्यूटी भी वहां पर लगाई जा सकती है। तो देहरादून में भाजपा की बड़ी बैठक होनी है। बैठक को लेकर हारी हुई जो सीट है वहां पर कैसे मजबूती दी जाए, कैसे मजबूत बना जाए इसको लेकर चर्चा होगी। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मंथन करेंगे, भाजपा की बड़ी बैठक होनी है। मिशन मोड में भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है क्योंकि 24 का चुनाव भी अब नजदीक है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कमजोर साबित हुई है वहां पर कैसे मजबूत किया जाए, कार्यकर्ताओं को समन्वय की जिम्मेदारी दी जाएगी, कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, जहां पर भाजपा थोड़ी सी कमजोर रही वहां कैसे मजबूती दी जाए पार्टी को, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये बड़ी बैठक आज होने वाली है। तो आपको बता दें, जिले में मंत्रियों के प्रवास और कई अन्य मुद्दों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष ये बैठक करने वाले हैं। वहीं धामी सरकार के मंत्रियों के दौरे पर अब भाजपा संगठन भी तय करेगा। आपको बता दें, देहरादून में पिछले दिनों हुई बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है, मगर कांग्रेस कह रही है कि इसमें नया क्या है क्योंकि पहले भी ऐसा फैसला लिया जा चुका है। धामी सरकार के मंत्रियों को अब एक नई जिम्मेदारी मिल गई है। सभी मंत्री जल्द ही जिलों में जाकर मंडल स्तर पर काम करेंगे। इस दौरान इस बात पर मंथन होगा कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, वहीं जनता की समस्याओं पर भी बातचीत होगी। इसके लिए भाजपा संगठन की तरफ से मंत्रियों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दो बार मंत्रिपरिषद हमारे संगठन की ओर से बैठक हुई है और क्योंकि मैंने कहा प्रदेश के पदाधिकारी को हम इस काम के लिए नामित करने वाले, जो उनसे तारतम्य बनाते हुए उनके कार्यक्रम किस स्थिति में किस जिले में लगेंगे, जिले के भी किस मंडल में लगेंगे, हम लोग तय करने वाले हैं। जहां तक सरकारी पक्ष, सरकारी जिलों के प्रभारी के नाते उस सरकार द्वारा तय होता है उनके कार्यक्रम, जो सरकारी चाहे वो जिला जिलों की बैठकें, विभिन्न प्रकार की बैठकें जिले संदर्भ में होती है, वो सरकारी तंत्र के हिसाब से चीजें होंगी, लेकिन संगठन के द्वारा भी हम हर जिलों के अंदर अपने मंत्रियों को भेजेंगे। दरअसल दिवाली से पहले भाजपा के कई बड़े नेता देहरादून पहुंचे थे। कैलाश विजयवर्गीय और दुष्यंत गौतम ने सीएम की मौजूदगी में मंत्रियों के साथ बैठक की थी। इसमें मंत्रियों को प्रभारी जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए गए। अभी तक तो प्रभारी मंत्रियों को जिले का दौरा सरकारी कार्यक्रम के तहत होता आया, मगर अब इसके निर्देश संगठन स्तर पर भी मिलेंगे। भाजपा के इस फैसले के बाद कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है, मगर कांग्रेस ये भी सवाल कर रही है कि इससे पहले भी इस तरह की कोशिश हुई, मगर उसका नतीजा क्या रहा। मुझे चिंता है कि केवल प्रवास पार्टी को मजबूत करने के लिए या सत्ता में आने के लिए है तो हमारे लिए चिंता का विषय है। कहीं जो उस बात की समीक्षा पहले होनी चाहिए कि जो सांसदों को गांव गोद ली पाए थे उनकी आज क्या स्थिति है, क्या उन गांवों में वास्तव में कोई परिवर्तन आया है, कोई प्रभाव पड़ा है, तो ठीक है, लेकिन केवल पार्टी को सत्ता तक लाना, मुख्यमंत्री बनाना, मंत्री बन जाने के लिए अगर बीजेपी एक कवायद करे तो निश्चित ही राज्य के लिए हित में नहीं है। भाजपा संगठन के इस फैसले के बाद अब मंत्रियों को भी पसीना बहाना होगा। जिलों में जाकर सिर्फ जिला योजना की बैठकों के अलावा भी दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर दौरे करने होंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट।
तो देहरादून में आज भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। बैठक का क्या एजेंडा रहेगा, किन मुद्दों पर यह बैठक होगी, किस बात पर मंथन होगा, ये तमाम जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी विनोद हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर मंथन करेगी जहां पर हार का मुंह देखना पड़ा, वहां पर अपने आप को मजबूत करने की क्या रणनीति तैयार की जाएगी? गुंजर, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यालय में ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक होगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी बताएं कि अक्सर ये देखने में मिल रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो जनता दरबार लगाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री लगातार लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर ये भी देखने को मिल रहा है कि धामी सरकार के मंत्री जिन को प्रभारी मंत्रियों का प्रभार दिया गया है, वो अधिकांश अपने जनपदों में नहीं जाते हैं, देहरादून में ही रहकर ही लोगों की समस्याएं सुनते हैं। और ऐसे कई महत्वपूर्ण मामले हैं, और एक महत्वपूर्ण मामला ये है कि जो लोकसभा सांसदों की तरफ से जो गाँव को गोद लिया गया है, उनका आखिरकार किस तरीके का अभी तक का स्वरूप बदला है। और उसके अलावा अभी आगामी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भव्य तरीके से मनाने जा रही है। कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अगुवाई में ये बैठक होगी, जिसमें तमाम जो अग्रिम कार्यक्रम हैं उनको उनकी रूपरेखा पर मंथन किया जाएगा। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होंगे। करीब 11:30 बजे ये बैठक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में शुरू होगी। और खासकर अगर बात करें तो जिस तरह से 9 नवंबर स्थापना दिवस मनाए का कार्यक्रम है, उसको लेकर भी कई रूपरेखा के कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, जिनको प्रभारी मंत्री अलग अलग जनपदों का बनाया गया है, उनके प्रवास कार्यक्रम तय किए जाएंगे, मंडलों के कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा इलेक्शन में हार मिली है, उनकी समीक्षा होगी, तो तमाम ये पार्टी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जब देहरादून आए थे, तो उनके दौरे के बावजूद ये कहा गया था कि जितने भी प्रभारी मंत्री हैं उनकी ड्यूटी अपने जनपदों में लगाई जाए, लेकिन अधिकांश देखने को मिल रहा है कि मंत्री जनपदों के प्रवास में नहीं जाते हैं। और ऐसे में आगामी सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये बैठक काफी अहम हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद पूरी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरीश रावत को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य नामित किया है। हरीश रावत उत्तराखंड से अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। कमेटी में देश भर से कुल 47 लोगों को शामिल किया गया है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने हरीश रावत को बधाई दी है। पब्लिक की नजर में भी कदावर नेता है, चुनाव जीतना हारने से किसी के कद को नहीं नापा जा सकता। और हरीश रावत जी की स्वीकारिता हर उत्तराखंड के हर विधानसभा में है, और उनके अनुयायी भी हर विधानसभा में, तो उनके कद को कम करके नहीं आंका जाता। और हाईकमान उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं, जिस तरीके से वो कांग्रेस का पक्ष समय समय पर नेशनल मीडिया में रखते रहे हैं, जिस तरीके से उनका अनुभव है, मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने HMT की करीब 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखंड को दी है। हल्द्वानी के रानीबाग में HMT की फैक्ट्री थी। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का इसको लेकर धन्यवाद दिया है। डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश को ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। इस भूमि का प्रयोग प्रदेश हित में किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, केंद्र सरकार ने HMT की करीब 45 एकड़ जमीन उत्तराखंड को दी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्य आंदोलनकारियों को तोहफा मिल सकता है। 9 नवंबर को राज्य आंदोलनकारियों को सरकार की ओर से आरक्षण का तोहफा मिल सकता है। खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण पर भी जहां रोक लगी हुई है, तो वहीं राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण पर भी रोक लगी हुई है। दोबारा सरकार चुनकर आ गई, माननीय मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया था, उसके बाद जो है हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री से मिलते रहे, लगातार संघर्ष जारी रहा, उसके बावजूद जो है सब कार्य हो रहे हैं, लेकिन इस कार्य में इतनी देरी या इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी 9 नवंबर से पहले इस पर एक निर्णय देकर एक ऐतिहासिक निर्णय करे,
वहीं राज्य आंदोलनकारियों की मांग को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं का क्या कहना है, ये भी आपको दिखाते हैं। हमारी पिछली सरकार थी उस समय भी हमने आंदोलनकारियों की पेंशन बनाने का काम किया, आंदोलनकारियों के परिवारों को किस प्रकार से बेहतर सुविधाएं मिल सके इस पर सरकार काम करती। निश्चित रूप से क्षैतिज आरक्षण को लेकर के सरकार ने कानूनी राय मांगी और मेरा ये मानना है कि सकारात्मक इसका परिणाम होगा। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने जिसमें राज्य की अवधारणा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, राज्य गठन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, इन सब ने अपने उस समय बहुत त्याग किया है। और निश्चित ही जब राज्य आंदोलनकारी इन आरक्षण के बल पर पदों पर आएंगे तो वो राज्य के हित में भी होंगे और उनका जो भावनाएं हो राज्य को अच्छा बनाने के लिए होंगी, राज्य को मजबूत बनाने के लिए होंगी। तो ऐसे लोगों को किसी न किसी बहाने से तो अंदर सिस्टम में लाना ही चाहिए। इगास पर्व को राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल को लगातार समर्थन मिलता आ रहा है। दरअसल राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इगास पर्व को अपने घर मनाने की पहल शुरू की थी, जिसके बाद उत्तराखंड के प्रवासी लोग अपने घर पहुंचते हैं और लोग इगास पर्व को मनाने लगे हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मुहिम के लिए अनिल बलूनी की तारीफ भी की है। उन्होंने घास के ऊपर बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी थी, उन्होंने अपने गांव में हर साल बनाने की बात कही है। इस बार भी मैंने आज अखबार में पढ़ा कि वो अपने गांव में घास बना रहे हैं, तो ये उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि हमारे उत्तराखंड के पर्व को उन्होंने प्राथमिकता देकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने घास जो हमारे उत्तराखंड का पर्व है उसके लिए उन्होंने छुट्टी घोषित करी है, इसलिए बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छी पहल है क्योंकि हमारे उत्तराखंड गढ़वाल का एक पारंपरिक त्यौहार है और अनिल बलूनी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अनिल जी ने इस विषय को लेकर जो जन जागरण किया और खासतौर का आह्वान कि गास को पहुंचे अपने गांव में। वहीं गास पर्व को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने, सुनिए। इगास के पर्व को खासतौर से रिवर्स पलायन की ओर भी देखा जाता है, जिस तरीके से पहाड़ों से पलायन हुआ है, रिवर्स पलायन कैसे है? आपने काफ़ी मुहिम चलाई, सरकार ने भी सहयोग किया, किस तरीके से इस बार का इगास का पर्व है? देखिए, इसमें जो हमने अभियान शुरू कराया उसमें हमारे दो तीन सोच थी उस वक्त शुरू करते हुए। एक तो सबसे महत्वपूर्ण ये कि देश भर में हर राज्य के एक अलग अलग तरीके के अपने एक विशिष्टता लिए हुए त्यौहार है। जैसे पंजाब में अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, गुजरात में गरबा मनाया जाता है, पूर्व में बिहू मनाया जाता है, दक्षिण में पोंगल मनाया जाता है। तो हमारी ये सोच थी कि उत्तराखंड के भी जो हमारे अपने लोक पर्व हैं उनको किस प्रकार से अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको और ज़्यादा प्रबल किया जाए। और वह सोच के हमको लगा कि इगास हमारे यहाँ बहुत समय से मनाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा कि उसको लोग भूलते गए। और इसलिए हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया कि इगास पर्व को, जिसको हमारे कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली बोलते हैं, उसको किसी तरीके से दोबारा से प्रचलन में लाया जाए, दोबारा से लोग उसको उसी धूमधाम से मनाया जाए। तो हम लोगों का ये प्रयास था और पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा कि वो प्रयास सिरे भी चढ़ रहा है, लोग धूमधाम से मना रहे हैं, लोग इगास को इस तरीके से मनाएं कि उसको किसी, हमारे जो पलायन की समस्या है उसको कैसे निराकार किया जाए, उत्तराखंड में पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए, ये तमाम चीज़ों को उसका जोड़ते हुए ये प्रयास है। और आगे वाले समय में मैं तो अक्सर कहता हूँ कि इगास को मनाकर हम उत्तराखंड की तमाम जितनी समस्याएं हैं उसके निराकरण की ओर बढ़ेंगे। अगर बात करें तो आपने पहले भी मुहिम चलाई थी मेरा गांव मेरा वोट, फिर इगास को लेकर के आपने लोगों से अपील की, काफ़ी लोगों ने आपका सहयोग भी किया, चाहे जुबिन नौटियाल हो चाहे कोई भी हो, सब लोग लगातार आपको निरंतर सहयोग में लगे रहते। आगे किस तरीके से और भी मुहिम रहेगी जिससे कि लोगों का रिवर्स प्लान उत्तराखंड की ओर? देखिए, उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उत्तराखंड का विकास हो, उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उत्तराखंड देश का नंबर एक का राज्य हो, उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उत्तराखंड खुशहाल हो। सबको एक रास्ते की जरूरत है, सब लोगों को लगता है कि कोई ना कोई प्रयास होते रहे और इगास के माध्यम से सबको लगता है कि हम एक अपने सांस्कृतिक धरोहर को सजोए रखने के लिए और जो जिसे हमने इसको रिवर्स पलायन से जोड़ा है, जैसे हमने इसको टूरिज्म के साथ जोड़ना चाहते हैं, हम इसको तमाम और समस्याओं के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो लोग चाहते हैं और इसलिए उसको जन समर्थन भी मिल रहा है। पिछले साल मैंने देखा कि पूरे उत्तराखंड के अंदर इस मनोयोग के साथ लोगों ने इगास मनाया, वो देखते ही बनता है। रामनगर में हाथी का आतंक जारी है। कॉर्बेट से सटे रामनगर वन प्रभाग की कोसी रेंज में
हाथी ने तांडव मचाया। टेढ़ा गांव में हाथी ने मंदिर में उत्पात मचाया। इस दौरान हाथी ने मंदिर को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। गनीमत ये रही कि इस दौरान पुजारी मंदिर में नहीं थे। देखिए कोसी रेंज में हाथी का किस तरीके से आतंक है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हाथी ने वहां पर उत्पात मचाया है। वहीं रुड़की के मानकपुर आदमपुर गांव में कई ग्रामीण डेंगू की चपेट में आ गए। डेंगू के मरीज अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, मगर ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ खानापूर्ति के लिए एक दिन के लिए गांव में जांच के लिए आया था, जिससे साफ है कि अधिकारी इस ओर गंभीर नहीं है। वहीं रुड़की में सड़क हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में बाइक सवार बच्ची को मारता दिख रहा है। घायल बच्ची को बरहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर पड़ताल कर रही है। हालांकि एबीपी गंगा इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। देखिए रुड़की से तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाइक ने टक्कर मारी है। खौफनाक सड़क हादसा, बाइक आगे की तरफ आ रही होती है, बच्ची दौड़ रही होती है और इस दौरान बाइक तेजी से आते हुए टक्कर मार देती है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बाजपुर की तस्वीर। बाजपुर में सीएनजी गैस के सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटने के बाद उसमें भीषण आग लग गई। आग धीरे धीरे फैलती गई। ट्रक में लगी आग की चपेट में आकर पास में लगे ट्रांसफॉर्मर में आग लग गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जैसे भरा हुआ ट्रक था डीसीएम, तो उसको सुरक्षा के लिहाज से आसपास के लोगों को अवेयर किया गया था। तो उसके बाद तत्काल ही मौके पे टेक्नीशियन की टीम को बुलाकर गैस को लीकेज करवा दिया गया है और कोई ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। वही दुनिया की एक बड़ी तेल कंपनी के एक अधिकारी को चमोली पुलिस ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया है। ये मामला 10 जुलाई का बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को जेल जाना पड़ा था। बताया जा रहा है कि विदेशी नागरिक चमोली में फूलों की घाटी क्षेत्र में सैटेलाइटनर फोन का इस्तेमाल कर रहा था। जुलाई माह की घटना है जिसमें एक ब्रिटिश पासपोर्ट धारक जो फूलों की घाटी घूमने आए थे, जिनका नाम फर्ग्यूस इयान मैक्लियोर था, उनके पास एक प्रतिबंधित सैटेलाइट फोन प्राप्त हुआ था, जिसमें हमने गोविंदघाट थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था और विवेचना अभी प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में दहशत का सबब गुलदार मिल चुका है। आखिरकार जो गुलदार है वो पकड़ा गया। ये गुलदार रायपुर रेंज में लोगों के लिए दहशत का सबब बना हुआ था, मगर वन विभाग ने गुलदार को पकड़ लिया। गुलदार के पकड़े जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। तो रायपुर इलाके में गुलदार की वजह से दहशत बनी हुई थी। जब गुलदार को पकड़ा गया तब जाकर वहां के लोग सुकून में आए, राहत की सांस ली। त्योहारी सीजन में छुट्टियों के चलते टिहरी बांध की झील में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेने के लिए टिहरी झील पहुंच रहे हैं। टिहरी झील में पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी बांध की विशालकाय झील इन दिनों पानी से लबालब भरी हुई है। पहाड़ों के बीच पानी से भरी लबालब झील पर्यटकों का मन मोह रही है। तो टिहरी झील के दीदार के लिए पर्यटकों का, सैलानियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। त्योहारी सीजन की छुट्टी है, इसकी वजह से पर्यटक और भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।